Hello students, this is your computer class and today I will tell you about chapter 2 parts of computer. I know आप ये chapter कर चुके हैं, अब हम इसकी एक बार revision करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी questions हैं. ठीक है, तो आपने ये अच्छे से देखने हैं. First है name the parts of computer, computer के parts बताइए. तो answer हो गया इसका keyboard, mouse, CPU, monitor. Okay. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का यूज क्या है. तो आंसर हो गया इट इज यूज टू राइट समथिंग, कुछ भी लिखना हो तो क्या काम आता है, कीबोर्ड. तो क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज द यूज ऑफ माउस, माउस का क्या यूज है. आंसर है इट इज यूज टू पॉइंट एट आइटम्स शो ऑन द मोनिटर. माउस से ही हम क्या करते हैं, जो भी कुछ स्क्रीन पे लाना होता है उस पर क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है. ठीक है, शो होता है स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मोनिटर, मोनिटर का क्या यूज है. तो आंसर है इट शोज व्हाट यू टाइप, आप जो भी टाइप करते हैं वो सब कहाँ शो होता है, मॉनिटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ सीपीयू, सीपीयू का क्या यूज है. तो आंसर है इट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, सीपीयू में क्या होती है, जो भी डाटा वगैरह होता है इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करके रखता है. ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी कीज अ कीबोर्ड हैव, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं. तो आंसर है 108. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी बटन्स ए माउस है, माउस में कितने बटन्स होते हैं. तो आंसर होगा 3 बटन. लास्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक एस ए टीवी, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो टीवी जैसे दिखता है. तो आंसर है मॉनिटर. आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं. आप ये फेयर नोटबुक में तो कर चुके हो, इसको अब आपने रिवाइज करना है, इसकी रिवीजन करनी है और अच्छे से इसको रफ नोटबुक में लिख के देखना है. आप इसको 2-3 times लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स काफ़ी बड़ी हैं तो आई होप आप अच्छे से इसको लिखेंगे जितनी बार तो आपको ये उतना जल्दी लर्न होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है. थैंक यू.